जी हाँ, तो जैसा कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि ये एंट्री टैली में किस तरह से पास होगी, तो आज सवाल यही है कि इस तरह की एंट्री टैली में पास कैसे करें हम। ठीक है, तो एंट्री क्या है कि यहाँ पर 1/5/2023 को यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यही है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोना एंटरप्राइजेस वर्थ ₹10,000, यानी 10,000 रुपए का सामान सोना एंटरप्राइजेस से खरीदा। अब ये नहीं दिया गया है कि क्या क्या सामान खरीदा है, लेकिन ये जरूर दिया गया है कि सामान 10,000 रुपए का खरीदा गया है। ठीक है, एंड पेड 4,000, यानी 4,000 रुपए उनको दे भी दिए गए हैं, पेमेंट भी कर दिए गए हैं, रेस्ट अमाउंट विल पे लेटर। तो बाकी का जो सामान है वो बाद में पे किया जाएगा, जो भी अमाउंट है वो बाद में पे किया जाएगा, सामान तो खरीद ही लिया है। और ये सब हुआ है काम कितने को, 1/5/2023 को। तो ये इस तरह की एंट्री अगर आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे पास करेंगे। अब यहाँ पर ये टैली प्राइम ओपन है, हमारा सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सवाल है सोना एंटरप्राइजेस से गुड्स 10,000 रुपये का खरीदा गया है। ठीक है, तो अभी हमें एक सोना एंटरप्राइजेस का लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं लेजर क्रिएशन वाले विंडो पर, यानी टैली के मेन मेन्यू पर, यानी गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ क्रिएट पे चलना है। फिलहाल हमें बनाना है लेजर, तो लेजर पे चलते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर सोना एंटरप्राइजेस के नाम से एक लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सोना एंटरप्राइजेस, PRISES, ये हो गया सोना एंटरप्राइजेस। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, और एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं और चलते हैं एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे परचेज वाउचर में। अभी परचेज वाउचर में आएंगे तो यहाँ नेम ऑफ आइटम आ रहा है, लेकिन ये मोड प्रॉपर नहीं है हमारे उस एंट्री के लिए, इसीलिए मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है अकाउंटिंग इन्वॉइस, तो बस अकाउंटिंग इन्वॉइस में आ जाना है। यहाँ पर लगेगा परचेज का लेजर। फिलहाल तो यहाँ सप्लायर का इन्वॉइस नंबर, जो सप्लायर ने इन्वॉइस नंबर दिया वो इन्वॉइस नंबर पड़ेगा। और यहाँ पर डेट चेंज करेंगे हम, यानी यहाँ पे 1/5/2023 के डेट में जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 अक्टूबर 2022, तो फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से चलेंगे पीरियड चेंज कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ से बाहर आएंगे, Alt F2, और ये 1/4/2023 करेंगे और 31/3/2024 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब ये एंट्री पास हो जाएगी। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, तो 1/5/2024 करेंगे 23, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये नंबर चेंज कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालेंगे। और यहाँ पे 1 मई के ही डेट में ये एंट्री पास करी जा रही है, सोना एंटरप्राइजेस का लेजर यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिएगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ये सोना एंटरप्राइजेस जो हमने अभी बनाया इसको इंसर्ट करा दीजिए यहाँ पर, और बाकी डिटेल भरते हुए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और यहाँ पर पर्टिकुलर आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है परचेज का लेजर। तो देखिए परचेज का लेजर क्या बना हुआ है, तो बिल्कुल बना हुआ है पहले से। अगर नहीं बना हुआ है तो अल्ट सी करके आप बना सकते हैं। तो कितने का पेमेंट, कितने का सामान परचेज हुआ है, 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का ये एंट्री हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, द गुड्स हैव बीन परचेज, परचेज ये लिख दिया और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, और एक्सेप्ट कराने के बाद अब पेमेंट की बारी है। तो पेमेंट के लिए F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और यहाँ करके क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ करके यहाँ पर सोना एंटरप्राइजेस वाला लेजर इंसर्ट कराना है, क्योंकि इन्हीं को पेमेंट करना है। और कितना पेमेंट करना है, 10,000 ड्यू है, लेकिन पेमेंट तो हम 4,000 का करेंगे, क्योंकि एंट्री में 4,000 दिया हुआ है। अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर आ जाएगा, एंटर कीजिएगा, और यहाँ इनको कैश में उठा के पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने बैंक के थ्रू करना है तो बैंक का लेजर बना ही होगा, करके एंटर करके नरेशन डाल के एक्सेप्ट करा लीजिए। बस यही छोटी सी तो एंट्री है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था, मुझे मालूम नहीं है किन्होंने पूछा था ये सवाल, तो उम्मीद है इससे काम चल जाएगा। ठीक है।